साहब। क्या बात है सरदार साहब? भली बंसो, आप हमारे घर भीकर आए। अरे क्यों है तो खैर सरदार साहब, हमारी आने से आपके आने से मेरे घर को घर हुआ है गौ। अरे क्या हुआ सरदार साहब? मेरे पति महाराज आए थे, आपको देखकर पता नहीं क्यों भागे जा रहे हैं, वो जाने जा रहे हैं। ओ तो नौ के मुझे हमसे डर गए। हाँ आपसे डर गए साहब। तो आप चिंता क्यों करती हो सरदार साहब? हेलो, मैं अभी जाता हूँ और पकड़ के लाता हूँ। ऐसे आपके हाथ नहीं आएंगे। क्यों? जब से गरीब आई आई है तब से तो बहुत ही भागने वाले हो गए। सरदार साहब गरीबी में इंसान ज्यादा भागता है, फिर क्या करें हम? आप घोड़ी पे चढ़ के जाइए तब तो पकड़ के ला सकते हैं, वरना आपके हाथ नहीं आएंगे साहब। अच्छा ज्यादा भागने वाले हैं? जी हाँ। आप बैठिए सरदार साहब, मैं जा रहा हूँ। कई चार गए तीरा कई जपानी आगे भूल फिर गौ अब खाए के अरे पछा लाए रे जी जा।
कोहरा के रहने वाले ये 10 रुपया हमारे ताए दूध पियन को दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहाँ चली गई? अरे ना कोई लाया रे ना रे लहजा में जग में नाम रे घर गए रे पांच रुपया कही साहब देखो बुला लाए हम। हाँ बुला तो लाए। जाइए जाइए। अब एक काम करो, अब तुम दोनों आदमी बतलाओ अपने हमारे में को बैठे जा रहे हैं। आर तो है साहब घुड़साल है पीछे बैठ जाने हम बतलाओ। कहाँ के लिए जा रहे थे आप भाग करके? अरे भाग के क्या जा रहे रानी, क्या देखो हम गए डर। किन से डर गए? हमने ये सोचा कि जब हमारी सगी बहन ठोकर से ठुकरा कर चली गई तो बहनों ही हमारे घर दोबारा भाग नो तो क्यों आ सकते हैं रानी। देखो जी वो थी तुम्हारी बहन कमलावती, उन्हें हम तुमसे मोहब्बत नहीं थी इसलिए छेक कर चली गई, और ये बेचारे आन पेट के हमारी गरीबी में भाग नो निकले आए। तो टूटी रे खटुलिया वो अपने जीजा करे बिछाए दई बाजी ने करे भैया हुक्का बो दरा है रे अगार को आए हैं हम तो अपने जीजा के पास रहेंगे और उन्हें हुक्का तमाकू भर भर के पिलवाएंगे। अच्छा जी और तुम क्या करोगी? हम क्या करेंगे? अरे आदिरे चली जाओ मेरी रानी तुम मोती रे लाला राम की माया राम ही जा रहे और राम की माया राम। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते कौन रानी संबंध? हाँ सेठ जी कैसी आ गई आज सुबह सुबह? आई कहूँ सुबह सुबह कुछ सौदा उधार लेने के लिए आयु साहब। सौदा उधार लेने को आई है? जी हाँ। पहला घाघन तो पहला आ गई उधार लेने।
अभी तो देखो भागना हो मेरे दूर सुबह सुबह। अभी मैंने दुकान खोली है, अभी मैंने झाड़ू लगाई है, अगर बत्ती लगाई है, धूप बत्ती लगाई है, राम को नाम लो है, अभी बोनी ना बट्टा और तो सुबह सुबह मैं सौदा उधार दे। अभी आपकी बोनी न हुई है? रे अभी कहाँ हुई है बोनी, झाड़ू मारकर अगरबत्ती लगा के बैठ हुई है कुर्सी पे। तो आपकी बोनी कितनी देर में हो जाएगी साहब? हो जाएगी एक घंटा में। एक घंटा बाद आ जाऊँ मैं? चल एक घंटा बाद आ जाइए। ठीक है साहब, एक घंटा बाद आ जाऊंगी, तब तो सौदा मिल जाएगी मुझे। हाँ मिल जाएगी। ठीक है साहब। मोती लाला मने कर रहे हैं, रानी सामल से कह रही हैं एक घंटा के बाद आना, तब तुम्हें एक से नाल धार भरेंगे। मोती लाला की दुकान में ठाड़ी ठाड़ी वे रानी सामल दे अपने मन में क्या सोच रही हैं कि मेरे देवर बुरा बुरा बहुत मायाधारी हैं, अगर अपने नंदोई को उनके घर में जाके जिक्र कर दूंगी तो एक शेर की चलती क्या है, वहां दो शेर नाज धार मिल सकता है। अब रानी भैया चल गई माया धार के रे मकान, जो चढ़क उछाला राजा धीर सिंह ने दिया था उसे ही ओढ़कर जा रही है। एक दूसरी से कह रही है बहना देखो हमें तो ऐसी मालूम पड़ रही है माया लंगटिया पर दोबारा फिर गई, जो चटक दुसाला ओढ़ के घर के लंगो आ रही है। अरे चटक रे दुसाला देख के पीढ़ी अरे मैं हाथ पैर दबा को ना आई हूँ। अरे दबा ले आओ, बहुत दूर से चल के आई हो, कहूँ थक गई होगी बिचारी हो ना। ये बड़ी तस्वीर जी ओले परी हो क्या हो जो चटक तू साले देख। हाँ ये नंदोई साहब लाए हैं। ओ तुम्हारे नंदोई साहब आए हैं? हाँ नंदोई आए हुए हैं। अरे हमारे यहाँ ना आएंगे बिचारी हो, तुम्हारे यहाँ भी आएंगे बहन। अच्छा तो बहना नंदोई की खातिर के लिए घर पे कोई साधन नहीं है। अच्छा कैसी कैसी आई? ये शिषपाल यादव निवासी कोठा स्टूडियो वीडियो भैया इनका चल रहा है। ये 50 रुपए हमारी देखो पार्टी के लिए खुश होकर और दूध पियन को दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद भैया। अरे कैसी कैसी आई तुम, आप तो हीना ही बड़ी जिद्दी आई गाँव। हाँ नंदू की खातिर के लिए शेरवर अन्न उधार देने के लिए आई हूँ। शेरवर? हाँ ये शेरवर अन्न का कर लेगी तो क्यों? अरे नंदो साहब खाएंगे या दत्ता खाएंगे या तुम खाओगी? अरे कम से कम ले आना, वो तो कम 500 कुंटल ले आओ। शेरवर अंडे में क्या कर ले तुम बिचारी हो? 500 कुंटल और क्या? 500 कुंटल ना चाहिए जी। और हम और तुम्हारे दत्ता हम दोनों आदमी बेचारे भूखे रह जाएं। अच्छा मेरी नंदू की खातिर रह गई तो समझो हमारी खातिर रह गई, हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हमारी नंदू के लिए चाहिए। ओ तुम्हें नंदोई की बहुत चिंता है, तुम्हें अपनी कोई चिंता ना है ना बहन? ऐसे बताओ जी तुम जब पिछलो ले गई वो दे गई ना? पिछलो और क्या बहना बंद तुमसे ले गई ना और ले गए होंगे धोखे में, तो जब हम पे जाओ तो सब माई ब्याज को दे देंगे।
जे विनेश भैया गोबरा के रहने वाले 25 रुपए कमेटी के पास दे रहे हैं और 25 रुपए हमारी पार्टी के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब को। ध्यान ना है तुम्हें कहना है जाएगी तो हमारे ब्याज के दे जाएंगे तो ना ब्याज जाए कुछ ना लेते पिछले दे के ले रही है अगलो ले आएगी टिकट की शेरवन रन दे दे अब आएगी ना कबू तो टांग पर टांग रख के फाड़ दूंगी समझ ली हाँ निकल ले पत्री गली से तो इस शेरवन राज की अरे चर्चा जन कर दई रानी सा नमस्ते नमस्ते आ गई तू रानी साहब बोलते आ गई साहब बता एक घंटा कोई एक घंटा लेट आई है दो घंटा में आई है ऐसी लेट हो गई थी साहब कहाँ लेट हो गई सेठ जी मुझे कुछ सौदा चाहिए सौदा बोल चल का लेगी मुझे मोती चूर के चावल दे दो चावल ना है अब ऐसी कटाई चल रही है जगह घर पकड़ा है चावल ही बनना है अब चावल न भर के और बोला है का लेगी मुझे दक्षिण दिशा की खांड दे दो अरे खांड खां है बजा टाइम फिर गहनी गाय का घी तो होगा सेठ जी घी हाँ अब बालक बच्चे सब घी खा रहे हैं कटाई चल रही है पहला आज घी बिक रहा है आगे बोलो और कालेगी मैं यही सौदा लेने के लिए आई थी सेठ जी मेरे नंदे खीर खान के भोजन खाने वाले हैं इसलिए मुझे यही सौदा चाहिए सेठ जी आप बता जो सौदा तो न भर गई मैंने तो उसे कही गई एक घंटा बाद आ जाइए दो घंटा में आइए अब सौदा सब गई बिक मेरी अब मैं इस्लाम नगर जाऊंगा तब दूसरा के सौदा आएगी कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी इस्लाम नगर जाएंगे तब सौदा लेके जाएंगे आज गरीबों के नाम से आपकी दुकान में कुछ भी नहीं है अरे जब सौदा ना होगी तो वो सौदा मैं तो बना के दूंगा सेठ जी आपने हमेशा हमारी लाज रखी है आज मेरे नंदे भूखे चले गए शहर से तो बहुत बदनामी वाली बात है साहब क्या होना चाहिए बोल जाई तो जाए कहाँ समझे गाया कोनी हमारी दिल की भरी ये
अगर मेरे नंदू शहर से भूखे चले गए तो बहुत बदनाम वाली बात है साहब, आपके हाथ में मेरी लाज है साहब। ये बात सही है रानी सामलदे, किसी का मेहमान होवे और वो शहर से भूखा चला जाए तो एक की नहीं पूरे शहर की बदनामी है। फिर देख सामने कुड़िया खड़ी है ये कौन में और भाई पा जा मैं कोदो पर ही है जाके बटोल ले सिर पर कोदो पर ही है और का हाँ सिर पर कोदो में नंदू की खातिर रह जाएगी काव परोसन चा की मांग लिए अच्छा और जाके निकाल लिए चावल और पत्रे रान का नंदू साहब की खातिर कर दिए सिर पर कोदो में फूल पड़ जाएगी सिर पर कोदो में हाँ। किसी जमाने में मथुरा में भंडारा हुआ हुआ था हुआ था तो ढाई पर चावल की खीर 500 आदमी बना नगरी मथुरा में सेठ जी में मथुरा में गऊ का दूध ज्यादा था इसलिए नहीं निपटी थी। अरे यहाँ सरकार ने बतेरे ऐड फुलवा रहे हैं चौराहे चौराहे पे दल्ला दल्लान पे बाल्टी भरो और झोंको बाल्टी भरो और झोंको पत्रे रांधो निबरेंगे ही नहीं। ठीक है साहब ले जा बटोर के रानी सामल दे मोती लाला एक शेर कोदा तोल देते हैं। कहते हैं पड़ोस में से चाकी मांग कर इसके चावल निकाल लेना इसके चावल 500 आदमी खा लेंगे। वे रानी सामल दे चाकी के लिए शहर में जा रही है उधर दोनों भैया जो उरा भूरा है मायाधारी चचेरे भाई जितना के उन्हें मालूम पड़ जाती है कि शहर गोरखमा से राजा धीर सिंह हमारे शहर को भात नोतन आए तो देखो बे हमारे तुम्हारे यहाँ नहीं आए बे नंगी नंगाई घर चले गए। तो रानी सामल दे मोती लाला से एक शेर कोदो ले आई है तुलवा के अब वो चाकी शहर में मांगन को जा रही है। तो दोनों भैया इस बात का ढोल पिटवा रहे हैं कि जो शहर में चाकी देगा रानी सामल दे को वो जन्म से कटिया कोलू में पिलवा दिया जाएगा। अब रानी गोरे भैया चाकी कोई देवा है ना ऐसे है सजीना का प्यार